नमस्कार दोस्तों, लगने लग गया है पुष्कर मेला 2024। बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले टेंट के बारे में। नमस्ते भाई। नमस्कार भैया। जी भाई, भैया मेरा शुभ नाम भवानी शंकर है। जी चौहान जी, मेला खतरनाक लगने वाला है। अच्छा अच्छा 2024 का बेस्ट और मेरी हिसाब से लाइफ के अंदर फर्स्ट बार मेला यही लगेगा कि मतलब इतना टॉप का मेला लगा। तो क्या चेंज है इस बार? इस बार ये चेंज है कि मतलब कोई जानवरों में कोई मतलब वो बीमारी है नहीं है, कोई इलेक्शन भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई रोक टोक नहीं इस बार। बहुत ही भयानक मेला लगने वाला है। तो ये नई जगह जो ये चेंज हो रही है, ये किसके लिए कन्वर्ट है भाई? इसलिए कि क्योंकि गवर्नमेंट है ना जी, गवर्नमेंट ये फ्री अलॉट कर रखी है ये जमीन टोटल जी 560 बीघा। हाँ। तो जगह रोकने के लिए कोई अमाउंट नहीं देना पड़ रहा है ना भाई? ट्रैक्टर वाला अपना लगाओ, जो भी उसका पैसा बनता है उसको देना है। जगह का कोई पैसा नहीं? जगह कोई पैसा नहीं है। अच्छा, कोई किराया नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो भी ट्रैक्टर चलेगा ये उसका आप दे दो भाई, 100 रुपए का चला रहे हो 100 रुपए का दे दो, जो भी है आपने जी। बाकी मेला टॉप का जाने वाला भैया 2024 का बेस्ट। क्या हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या गुजारिश करोगे कि यहाँ आओ, ज्यादा से ज्यादा पधारो यहाँ पे जी। तो शानदार मेला लगने वाला है, एक नंबर क्वालिटी वाले घोड़े भी आएंगे यहाँ पे जी। ये भी नहीं है कि मतलब घोड़े कमजोर आएंगे, मैं बोला पूरा हिंदुस्तान के अंदर शानदार क्वालिटी वाले घोड़े भी इस बार आएंगे यहाँ पे। अच्छा अच्छा, पिछली बार भी ये अलाउंस हुआ था, इलेक्शन चल रहे थे हमारे राजस्थान के, इस चक्कर में थोड़ा लपड़ा हो गया था, फिर नहीं आ पाई। अच्छा, इस बार बहुत ही जनसंख्या में मतलब 4 दिन मेला लगा था 2023 वाला। अच्छा, 2022 में लंपी का चक्कर में मेला बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था। और 2016 से वैसे मेला गड़बड़ी चल रहा है, गड़बड़ी बिल्कुल गड़बड़ी 5-4 साल से। ये शानदार जाने वाला 8 साल बाद में। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, 8 साल बाद ये मेला ऐसा भरने वाला है। और कोई भी आप है जो जगह के पैसे नहीं दे, उसके अंदर 2016 से पहले वहाँ पे रेंट पे जगह मिलती थी, मतलब वहाँ पे मेला पहले वहाँ पे लगता था। अच्छा, 5-6 बीघा जमीन थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा, ये 560 बीघा जमीन है। 560 बीघा, एक भी रेंट देने की जरूरत नहीं है। पहले आओ पहले पाओ, कहीं पे भी लो। बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो पुष्कर के दौरों में अभी जो मेला स्टार्टिंग है 2024 का। तो ये टेंट जो लगा भाई साहब का, तो यहाँ तैयारियाँ जो आप देख रहे हो जोरों से हो रही हैं। और टेंट के लिए आपको बुक करने के लिए अगर नंबर चाहिए या अपनी जगह बुक कराने के लिए नंबर चाहिए, तो हमें अभी मिले हैं जो इनके टेंट यहाँ लग रहे हैं, तो इनके कॉन्टेक्ट नंबर भी हैं। तो ये देख लीजिए चौहान टेंट हाउस, और इनके कॉन्टेक्ट नंबर ये अपने स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आप सारी जानकारी इनसे भी ले सकते हो। ये अभी स्टार्ट होने वाला है, क्या कब है सारी डिटेल जानेंगे भाई साहब से। नमस्ते भाई। जो हमारे सामने से जो दर्शक देख रहे हैं, एक बार अपना नाम बताएं उनको। मेरा नाम भवानी शंकर जी। जी, तो ये टेंट का अपना सारा सामान अभी जो है, ये कब से स्टार्ट है मेला? मेला 2 तारीख से स्टार्ट। 2 तारीख, 2 से 17 तारीख तक। 2 से 17 तारीख तक। तो आप सभी अपने पशु जो लेकर आएंगे, और उसके लिए टेंट की जो व्यवस्था सारी है आपके पास? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी स्टार्ट हो गया जैसे जगह अगर रुकने के लिए, जिसने जगह कराई ली अब वो करीब करीब काम करवा रहे हैं अपना, मतलब कि लेट सेट आवे उससे पहले काम हो जाए, क्योंकि भीड़ भड़ा करेगा जी, उसके बाद में ये टेंट वेंट लगेंगे नहीं, क्योंकि गाड़ी वगैरह जाएगी नहीं अंदर। अच्छा अच्छा, मैं इसलिए अभी करवा रहे हैं सारा, अभी करवा रहे हैं। तो ऑनलाइन बुक करवा रहे हैं तो आप कर रहे हो सर? ऑनलाइन भी, प्लस वो पार्टी खुद आ रही, पहले उसकी जगह बता रही है कि हाँ ये मेरी जगह है, इस पे करना है, क्या लगवाना है, स्टोर लगवाना है, डेरा लगवाना है या टेंट लगवाना है, उसके हिसाब से सारा। तो अलग अलग कीमत होगी? सबकी अलग अलग कीमत है, वो तो आपसे संपर्क करने पर ही मालूम पड़ेगा। तो देख रहे हो दोस्तों, ये इनकी जो जगह पे हैं टेंट का है, जो सारा स्टार्ट हो चुका है पुष्कर मेला 2024। तो आप यहाँ इनके कॉन्टेक्ट नंबर जो है प्लेस हो रहे हैं, और फिर भी एक बार अपन पूछ लेते हैं। ये देख लीजिए, ये इनके कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप इनसे कॉन्टेक्ट करके, और उचित जो है किराए का जो सामान मिलता है वो है इनके पास में। और वाजिब रेट तो वाजिब है ना भैया? अभी तो अभी स्टार्ट होने में तो 5-6 दिन है। और माल सबके पास ही कम पड़ रहा है, मतलब ऐसे मानते चलो माल है ही नहीं है। अच्छा, टेंट वालों के पास में कहीं पे भी नहीं है, इतना खतरनाक मेला लगने वाला है ये इस बार खतरनाक मेला, बहुत बहुत मतलब भारी भीड़ होने वाली है। आप ही घोड़े वाले तो ऐसे रहेंगे इसके ऊपर छत भी नहीं रहेगी, हकीकत बता रहा हूँ, मतलब टेंट नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। आगरा से मंगवा रहे हैं यार, आगरा आगरा माल मंगवा रहे हैं, तो बहुत ही वाजिब दाम में। और घोड़े की जो है बता रहे हैं कि बहुत इस बार ऊपर छत भी नहीं रहने वाली है दोस्तों, खतरनाक मेला लगने वाला भैया, खतरनाक, बहुत संख्या में आएंगे इस बार। मतलब मैं 29 साल का हो गया, मेरी उम्र 29,
फर्स्ट मेला देखूंगा मैं ये वाला, ये वाला इस बार। जो आप वहाँ आगे देखो जी, क्या चेंज हुआ तक है ना, वो आगे ऊँट दिख रहे जी भाई, वहाँ तक तो घोड़े की जगह है केवल केवल घोड़ों की। हाँ। तो अलग अलग ऊँट का सिस्टम ही पता नहीं कहाँ बैठेगा, अभी यही पता नहीं है अभी सबको, ऐसे मान के चलो इतना खतरनाक मेला लग रहा है। अच्छा, ये तो घोड़े घोड़े के लिए कन्वर्ट हो रहा है, ऊँट को तो पता ही नहीं है कि कहाँ उनको जगह मिलने वाली, उनका तो मालूम ही नहीं है कहाँ, मालूम ही नहीं है। तो ये इस बार ये जो जगह है ये घोड़ों के लिए हुई है, घोड़े वाले ही करवा रहे हैं कि भाई अपने घोड़े इतने आएंगे, अपने इतने आएंगे। सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा वाले, पंजाब और हरियाणा वाले सबसे ज्यादा, पंजाब और हरियाणा वाले इस बार इतना बड़ा मेला लगने वाला। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भी अपने पशु लेकर आए, क्योंकि इस बार बहुत ही अच्छा मेला भरने वाला है। और 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक है ना, 17 तारीख के बीच के अंदर ये मेला लगने वाला है। तो आप भी अपने पशु लेके जल्दी से जल्दी पहुँचें और भाई साहब से कांटेक्ट करें, और जो लगने वाला है टेंट उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छी जानकारी। धन्यवाद।